हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, प्रेस करें बेल आइकन ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आपके पास। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। दरभंगा में अपराधियों का दुस्साहस, भीड़ भाड़ भरे इलाके में उखाड़ ली एटीएम, 13 लाख रुपए लूटने से बचे। दरभंगा नगर थाना क्षेत्र के लालबाग मोहल्ला स्थित निजी फाइनेंस कंपनी के एटीएम को अपराधियों ने उखाड़ लिया। एटीएम को करीब 500 मीटर दूर ले जाकर उसे तोड़ने का भी अपराधियों ने प्रयास किया, लेकिन वे इसमें सफल नहीं हो पाए। यह आशंका है कि सुबह हो जाने के कारण अपराधी एटीएम छोड़कर भाग गए। एटीएम में रखे 13,44,800 रुपए सुरक्षित रह गए। एसएसपी बाबूराम मौकाए वारदात पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि लोगों ने अपराधियों को एटीएम ले जाते देखा, पर शोर नहीं मचाया, न ही पुलिस को सूचना दी गई। जानकारी के अनुसार अपराधियों ने एटीएम उखाड़ने के दौरान एटीएम को क्षतिग्रस्त कर दिया। एटीएम कक्ष में कैश लूटने में जब वह कामयाब नहीं हुए तो एटीएम मशीन को जड़ से उखाड़कर उसे लगभग 500 मीटर दूर एक गली में ले गए। वहां कैश बॉक्स को काटकर लूटने का प्रयास किया। इसी बीच सुबह हो गई, लोगों का आवागमन प्रारंभ हो गया और अपराधी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके। एटीएम को तिरपाल से ढककर अपराधी भाग गए। अपने स्थान पर एटीएम को नहीं देख अनहोनी की आशंका के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को खबर की। पुलिस को एटीएम से लगभग 500 मीटर दूर वह एटीएम बॉक्स मिला। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी बाबूराम भी वहां पहुंचे। उन्होंने घटनास्थल व इर्द गिर्द के क्षेत्र का मुआयना किया। तकनीकी सेल के अधिकारियों और पुलिस कर्मियों को अपराधी की गिरफ्तारी के लिए कई आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। पुलिस के अनुसार एटीएम लूटने आए अपराधी कैश बॉक्स नहीं काट सके, एटीएम को क्षतिग्रस्त कर दिया। एटीएम मशीन इतनी भारी थी कि उसे एक गाड़ी से बांधकर खींचकर कुछ दूर एक गली में ले जाकर उसे तोड़ने की कोशिश करने की बात कही गई है। गाड़ी से एटीएम मशीन को खींचकर ले जाता हुआ सीसीटीवी का वीडियो फुटेज भी मिला है। हालांकि पुलिस ने जब अपना जाल फैलाया तो अपराधी इसमें फंसते चले गए और चंद घंटों में ही पुलिस ने पूरे मामले का पटाक्षेप कर दिया, पर्दाफाश कर दिया। 4 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। एसएसपी बाबूराम ने तमाम जानकारियां दी मीडिया को। अर्ली मॉर्निंग कुछ अपराधियों ने लालबाग स्थित एक एटीएम को तोड़कर उसमें से कैश चोरी करने का प्रयास किया था, लेकिन सुबह हो जाने के चलते वो अपने प्रयास में सफल नहीं हुए। पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 12 घंटे से भी कम समय में इस पूरे घटनाक्रम का उद्भेदन किया और इसमें संलिप्त 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। और इनसे जो कैश बॉक्स, एटीएम का प्रिंटर वगैरह जो भी सामान लूटा गया था उसको बरामद कर लिया है। जो खंती इन्होंने उपयोग की थी, जो गाड़ी उपयोग की थी इसको खींचने के लिए, उसको भी बरामद कर लिया गया है। इनमें से एक अपराधी का घर एटीएम के बिल्कुल पास में ही है, जिसने इस पूरी अपराध की योजना में मुख्य भूमिका निभाई है। इसके अलावा जो एक ड्राइवर है, ड्राइवर ने पिकअप की व्यवस्था की थी एटीएम को खींचने के लिए। सबसे पहले गाड़ी की पहचान सीसीटीवी के आधार पर की गई और ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया और ड्राइवर ने ही पूछताछ में पूरी योजना का खुलासा किया और 3 अपराधियों के नाम बताए और उसके बाद पुलिस ने गिरफ्तारी की। इनके क्रिमिनल हिस्ट्री का हम लोग पता लगा रहे हैं। एक इनमें से एक अपराधी है जो पहले जेल जा चुका है मारपीट के केस में, और बाकी लोगों को भी पता लगाया जा रहा है। अगर कोई इस तरह का तथ्य सामने आएगा तो उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।